प्रश्न है कि राजस्थान में क्यों लफड़े हैं, काहे छिड़े बवाल हैं। अगली लाइन, राजस्थान में क्यों लफड़े हैं, काहे छिड़े बवाल हैं, हमें बताओ कांग्रेस में कितने छेदी लाल हैं, हमें बताओ कांग्रेस में कितने छेदी लाल हैं, और थाली में है छेद कई या फिर छेदों में थाल है, थाली में है छेद कई या, देखो पसंद कर रहे हैं अंदर ही अंदर आचार्य जी, थाली में है छेद कई या फिर छेदों में थाल है, हमें बताओ कांग्रेस में कितने छेदी लाल हैं, देश समझ ना पाया अब तक भेद है कितने पंजे में, देश समझ ना पाया अब तक भेद है कितने पंजे में, रेत सरकती रहती हर दम इतने छेद हैं पंजे में, और दो ही लड्डू बचे हाथ में उस पर मारा मारी है, दो ही लड्डू बचे हाथ में उस पर मारा मारी है, देखो देखो ऐसी इनकी 24 की तैयारी, देखो देखो ऐसी इनकी 24 की तैयारी है, कोई गिरधारी है या फिर सब ठन ठन गोपाल है, हमें बताओ कांग्रेस में कितने छेदी लाल हैं। सर इसलिए सुझाव देता हूं सर, आनंद लेना और थैंक गॉड आप याद रखना दिमाग में, और इनको भी थैंक गॉड बोल देना अगर ये बच जाए तो। जोड़ने वाली बातें भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ने वाली बातें अंदर ही अंदर घातें घेरी तुम्हें घेरी, जो भी हो दक्ष चुनो जल्दी अध्यक्ष चुनो, देरी न करो देरी, ये लफड़ा सुलझाओ ना, बढ़िया ताली उठ जाए, ये लफड़ा सुलझाओ ना, सब लाइन पिलाओ ना, दुश्वारी मारा मारी हमसे देखी जाए ना, ये लफड़ा सुलझाओ ना, सब लाइन पिलाओ ना, दुश्वारी मारा मारी हमसे देखी जाए ना, अपना प्लेन उड़ाओ ना, पायलट को बचाओ ना, मनमानी खींचतानी हमसे देखी जाए ना, ये लफड़ा सुलझाओ ना, सब लाइन पिलाओ ना, दुश्वारी मारा मारी हमसे देखी जाए ना, आई कांट सी सर, तेलंगाना में दावत है ना, कह रहे आई कांट सी दिस, इनको ले जाओ आप कांग्रेस, हम लफड़ा सुलझाएंगे जी, लफड़ा सुलझाएंगे जी, जी हम लाइन पे लाएंगे जी, आए हाय तुम परेशान मत हो हम प्लेन उड़ाएंगे जी, क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी क्या हुआ, पिछले दिनों मोहन भागवत जी इमाम से जाकर के मिले और इमाम ने कहा कि आप राष्ट्रपिता हैं, और उसने संग संग एक बात और बता दी कि हमारा और आपका डीएनए एक है, गलत क्या है इसमें, और दो बार कही उसने ये बात मैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तू यात्रा की बात कर रहा था, भारत जोड़ो यो यात्रा हो रही है, मैं वहीं से इस संदर्भ को जब तक कांग्रेस पूरी तरह से टूट जाएगी मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात करता रहूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, तू जा तो रहा है कि जो ये कहते थे कि क्या जुड़ेगा इस यात्रा से, जो ये कहते थे, अब थोड़ा बहुत देखें मजे लेना और सही सही आनंद लेना आप युवा पीढ़ी, जो ये कहते थे कि ये क्या जुड़ेगा इस यात्रा से, देख देख उनका भी दिल कुड़ने लगा, देख देख उनका भी दिल कुड़ने, मैं आपसे डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं देख देख उनका भी दिल कुड़ने लगा, और प्रेशर बना तो
असंभव भी संभव हुआ, पानी का जहाज भी हवा में उड़ने लगा। सही है। राहुल की यात्रा का ऐसा हुआ है असर कि राष्ट्रपिता उपाधि की ओर मुड़ने लगा। राष्ट्रपिता उपाधि की ओर मुड़ने लगा और अब समर्थन चाहिए सही बात का कि संघ और इमाम आपस में मिलने लगे। 20-25 दिन में ही भारत जुड़ने लगा। धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात कही कि अल्टीमेटली ये मान गए कि जो संघ की विचारधारा है वो भारत जोड़ने की, राष्ट्र जोड़ने की है, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो आपने ये मान लिया कि संघ जो है, यानी कांग्रेस सपोर्टर्स ने भी मान लिया कि संघ के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ये भी अच्छी, ये तो मिलने गए वो कांग्रेस से प्रेरणा लेकर गए। आपने भी मान लिया। ये भी अच्छी बात है। कांग्रेस अगर ये सोचती है कि संघ उससे इंस्पायर होता है, सोचने दीजिए, संघ फिर भी राष्ट्र के लिए कार्य करेगी क्योंकि संघ के लिए कोई राजनीतिक दल मायने नहीं रखता, संघ के लिए राष्ट्र मायने रखता है। सरदार जी पंक्तियां अच्छी थी, तालियां एक बार, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया पंक्तियां। नहीं, मैं फौजदार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही गंभीरता की बात कही है और सरलता से कही है, गंभीर बात सरलता के साथ कही है। देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी इमाम साहब से मिलने गए, मस्जिद में गए, यही देश की एक एकता की पहचान है। और मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो ये बात उठी कि कांग्रेस टूट जाएगी और कांग्रेस फूट जाएगी। कांग्रेस टूटे या रहे, लेकिन भारत नहीं टूटना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतिहास में ये दर्ज होगा कि राहुल गांधी जी की सच्ची प्रेरणा अगर किसी को मिली और ग्रहण की है, वो मोहन भागवत जी ने की है। वैसे आचार्य जी ने कहा कि कांग्रेस टूटे या रहे, कांग्रेस तो 1947 के बाद, खुद ही जानते होंगे आचार्य जी कितनी बार टूट चुकी है, हर बार टूटती है, एक नया राजनीतिक दल बन जाता है। इस परिवार में भी इंदिरा गांधी जी ने भी तोड़ा, वो भी कांग्रेस आई हो गई थी, आगे भी टूटी, लोगों ने क्षेत्रीय दल बना लिए, अब मुझे लगता है फिर एक बार टूटने के कगार पे है। चलो वायरल, चले मैं आपको दोबारा वायरल की तरफ लेके चलता हूँ आपको। मैं कांग्रेस दोबारा राजस्थान की तरफ लेके चलता हूँ। अभी बात हुई अध्यक्ष, अच्छा आचार्य जी, मैं ना जब से मैंने राजनीति समझनी शुरू करी है, हर बार देखता हूँ कि अध्यक्ष का ये होगा, फिर चुनाव होगा, फिर ये होगा, लेकिन होता वही है जो काफी समय से होता आ रहा है। समझ नहीं आई, कुछ नया नहीं आता, बाद में वही है। तो मैं वहां पे एक आपको प्रयोग रखता हूँ कि फिर से ये अंतिम तिथि है आवेदन की, इसको चुनाव है, फिर उसको वो है, फिर अध्यक्ष आएगा, बाद में क्या हो, मैं आपके बीच में, तो क्या होने वाला है वही होगा जो अब तक होता है। सुनिएगा, राजस्थान में जोरों पर है सियासत पूरी। राजस्थान में जोरों पर है सियासत पूरी, लोगों को लग रहा है चेहरा नया मिलेगा। अच्छा, लोगों को लग रहा है चेहरा नया मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया भी रही है जोरों पर ही, नामांकन प्रक्रिया भी रही है जोरों पर ही। कईयों में अध्यक्ष पद का सपना सजेगा, कईयों में अध्यक्ष पद का सपना सजेगा। विधायक भी बट गए, डर भी नहीं रहे। विधायक भी बट गए, डर भी नहीं रहे। बोल रहे कुछ भी हो, पुष्पा नहीं झुकेगा। बोल रहे कुछ भी हो, पुष्पा नहीं झुकेगा। मैं नेताओं से क्या कहना चाहता हूँ,